अभी बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई आप नेपाल कब आएंगे, नेपाल कब आएंगे। तो भाई देख सकते हैं घाटी में ट्रक वाले भाई चढ़ाई चढ़ नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस वाला भाई फंसा हुआ है, कब से वो निकलने की कोशिश कर रहा है निकल नहीं पा रहा है। एम्बुलेंस के सामने भी पुलिस वाले की गाड़ी फंसा हुआ है, तो मैंने बोला आप पुलिस वाले गाड़ी को छोड़ना मत, चाहे आपको रॉन्ग साइड से घुस के जाना पड़े। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो। फाइनली नगर उंटारी पहुंच चुके हैं और पहुंच गए थे सुबह ही सुबह, कितने बजे, लमसम 11 बजे पहुंच गए थे और जस्ट अभी मेरा गाड़ी खाली हुआ है। अभी भाई दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं, तो फिलहाल इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब करके पहला घंटा प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहेगा। और इस वीडियो में भाई 3,500 लाइक आप लोग कंप्लीट करवाना है। मुझे नहीं पता भाई मीडियम ब्लॉग का सेना जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो लाइक ड्रीम भी कभी कम देते हैं कभी ज़्यादा देते हैं, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। 3,500 लाइक कंप्लीट करवाना है आप लोगों को, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके बेल घंटा प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके भाई का वीडियो का नोटिफिकेशन रोज 8 बजे रात को पहुंच सके। तो अभी क्या है, ढाला बंद करते हैं, बत्ता लगाते हैं, फिर भाड़ा कर लेते हैं, निकलते टाइम फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो अभी काफ़ी सारा काम है, देख सकते हैं तिरपाल अगर अभी सजाना है, सोच रहे हैं अभी सजाएं या फिर घर पहुंच के सजाएं, देखते हैं जैसा भी होता बताते हैं आप लोगों को। पहले ये सब बंद करके भाड़ा घर लेके निकलते फिर बातें करेंगे। तो फाइनली अपना भाड़ा घर मिल चुका है, तो ये देख सकते हैं नगर उंटारी का मार्केट कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे पता है महुआ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। महुआ वाले से पूछा भाई कि महुआ क्या काम में आता है, मुझे पता नहीं था, तो वो बोले कि भाई दारू बनाने का काम में आता है दारू। हम बोले भैया, बोले आपको भी चाहिए क्या दारू? हम बोले भैया हमको तो पता नहीं कैसे दारू बनता है महुआ से। वो दादी लोग चाची लोग खरीद रही थी बहुत ज़्यादा, तो आपको दिखाते हैं पहले, ठीक है? देखिए महुआ का दुकान, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर खरीद के लेके जाते हैं, दारू वगैरह बनाते हैं मस्त। अब बेचने के लिए बनाते हैं कि पीने के लिए नहीं पता उसके बारे में मुझे, तो शीशा अगर खोलते हैं इधर से पहले निकलते हैं। तो भाई महुआ का तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे मना कर रहे थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे से गाड़ी घुमाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जाम लगा हुआ है नगर उंटारी मार्केट में। तो हम थोड़ा सा आगे से गाड़ी को घुमाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे बनारस के लिए। तो चलिए पहले गाड़ी को घुमाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं बिंडमगंज पुल के ऊपर, तो ये झारखंड और यूपी का बॉर्डर, तो ये छोटा सा पुल जो कि पीछे झारखंड है, और अब हम भाई यूपी के अंदर एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं। तो ये है यूपी बॉर्डर और झारखंड का बॉर्डर, लगता ही नहीं कि भाई कोई बॉर्डर है यार। यूपी से झारखंड के अंदर ऑटो चलता है, मतलब मस्त है भाई, मस्त लगता है इधर जब भी आते हैं। तो फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। घाटी के ऊपर चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं कि घाटी में कैसे गाड़ी चलाएं ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो ये देखिए भाई, ये जो लेन बना है ना, ये लेन में ही आपको चलाना है, बार बार कोई मोड़ आए तो देख के ओवरटेक करना है। मोड़ पे पहली बार तो हमें बोलेंगे ओवरटेक करना ही नहीं है, और अपने लेन में ही चलाना है। अब मान लीजिए आपको ये ट्रक वाले से ओवरटेक करना है, और देखिए अभी देखिए ढलान था, ठीक है, बस आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, और देखिए अभी यहाँ पे मोड़ है, तो अभी यहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है, अभी यहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है। ओवरटेक करेंगे कोई गाड़ी इधर से आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मोड़ है, पहले आप मोड़ को आराम से मोड़ लीजिए अपने गाड़ी को ट्रक के पीछे लगा के, उसके बाद फिर जब आपको सीधा दिखे, देखिए फिर आगे एक मोड़ है, तो अभी भी आपको ओवरटेक नहीं करना है, करेंगे तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाएगा। तो दुर्घटना भाई हो सकता है, इसी वजह से बोलते हैं कि जब भी घाटी चढ़ रहे हो या फिर घाटी से आप लोग उतर रहे हो, तो आराम से देख के घाटी चढ़ाई चढ़े, उतरे भी तो आराम से देख के चले, और इस तरीके से अपने लेन में चले जैसे वो ट्रक वाले भाई अपने लेन में चल रहे हैं। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, फिलहाल घाटी के ऊपर है। तो भाई डाला मतलब पहाड़, तो फाइनली अभी हम डाला पहुंच चुके हैं, और ये देखिए भाई गिट्टी डायरेक्ट अभी पहाड़ से टूट के आ रहा है, और ये जा रहा है अभी गिट्टी बनने के लिए, सॉरी ये गिट्टी नहीं है, गिट्टी बनने के लिए जा रहा है मशीन में, ये डायरेक्ट भाई पहाड़ टूट के अभी आ रहा है पहाड़ के अंदर से। तो फिलहाल अब अगल बगल में ही कहीं पे जाना है इन लोगों को, ऐसे भाई बहुत सारा कंपनी इधर है जो भाई गिट्टी बेचता है, और अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी भी यहीं पर है, डाला में ही है। तो फिलहाल भाई ये रोड हमको छोड़ना नहीं है बनारस के लिए, और भाई फिर से भूख लग चुका है, हम सोच रहे हैं भाई कुछ खा लेते हैं, सुबह का ही मैंने खाया हुआ था आलू पराठा, और अभी देखते हैं कहीं ढाबा वगैरह मिलेगा तो खाएंगे, क्योंकि शाम का 4 बजने वाले हैं,
मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, सुबह ही सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता किया था। तो भाई यही वो जगह है जो बोलते हैं कि डाला का गिट्टी बहुत फेमस है। तो देख सकते हैं पूरा धूल है भाई, आप लोगों साथ नहीं दिख रहा होगा अच्छे से भाई इधर से जब भी जाते हैं ना तो पूरा पूरा सिर्फ और सिर्फ धूल ही दिखता है। देख सकते हैं गजब का भाई धूल है। हम ये सोचते हैं यहाँ के लोगों को रहने में भाई काफी ज्यादा तकलीफ होता होगा, इतना तो कन्फर्म है। तो भाई पहुंच चुके हैं वैष्णो माता मंदिर, जल्दी से माता रानी के नाम से कमेंट करिए, जय माता दी लिख के कमेंट करिए। तो भाई देख सकते हैं घाटी में ट्रक वाले भाई चढ़ाई चढ़ नहीं पा रहे हैं भाई, पूरा इंजन का ना गियर बक्सा तक हिल रहा है। क्या भाई चढ़ जाएगी ना, चढ़ जाएगा, अंडर लोड है आपका, तभी बताइए अंडर लोड होने के बावजूद भी इतना पावर नहीं दिखा रहा इंजन ऐसा लग रहा है। तो भाई बहुत स्लो स्लो चढ़ रहा है भाई, अब पता नहीं कहाँ तक चढ़ पाएगा तो ये भाई घाटी, इस घाटी के ऊपर हमें भी चढ़ाई चढ़ना है धीरे धीरे करके, देखते हैं। तो भाई हमें देखिए वहां चढ़ना है, वो जो दिख रहा होगा ऊपर, वो ऊपर वाला पहाड़ जो है वहां पे चढ़ना है हमें। तो ये रास्ता, तो चलते हैं ऊपर, ऊपर से फिर नीचे का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। अभी हम अरोरा पहुंचे नहीं है, अरोरा से 7 से 8 किलोमीटर पीछे हैं। थोड़ा बाथरूम लगा था, बाथरूम करना था, रुके हैं भाई पहाड़ के ऊपर, देख सकते हैं इधर का व्यू। और बता दे भाई काफी ज्यादा नींद भी आ रहा था, इस वजह से मैंने पानी से मुंह वगैरह धो लिया है, पानी वगैरह पी लिया, बाथरूम वगैरह कर लिया, अब भाई इधर से निकल रहे हैं आगे। तो भाई लास्ट घाटी पे आ चुके हैं, ये है अरोरा घाटी, देख सकते हैं भाई। ओ भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ओ ओ भाई देख सकते हैं इधर कुछ अलग सीन हो गया। लड़ गया था क्या भैया? अच्छा अच्छा क्या लोड है गिट्टी, गिट्टी क्या लोड है गिट्टी, अच्छा अच्छा। तो भाई देख सकते हैं भाई का गाड़ी साइड से लड़ गया है और उसी हालत में भाई अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं काफी ज्यादा इसके लिए भाई हिम्मत चाहिए यार, काफी ज्यादा हिम्मत चाहिए। फिलहाल अभी हम भी घाटी से नीचे उतरेंगे। तो भाई ये जो लोकेशन है ना, ये कुछ कुछ भाई नारायण घाटी वाला लोकेशन देखने में लगता है, क्योंकि नारायण घाटी से जब आप काठमांडू के लिए मुड़ेंगे ना तो एकदम ये ऐसा ही एकदम नया रोड बना हुआ है। बढ़िया है कि वहाँ पे अगल बगल में पेड़ है, थोड़ा बहुत घर है, ज्यादा घर तो नहीं है, थोड़ा बहुत घर है, लेकिन भाई कुछ लोकेशन नारायण घाटी से आगे बढ़ेंगे काठमांडू वाले रोड पे तो कुछ इसी तरह के लगता है। हाँ इतना चौड़ा रोड तो नहीं है, बस यहाँ से लेके इतना चौड़ा होगा, लेकिन भाई नारायण घाटी वाला ही फील आता है चलने में इधर भी। और एक चीज बता दे भाई, अभी बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई आप नेपाल कब आएंगे, नेपाल कब आएंगे, तो आप लोगों को बताते हैं कब आएंगे, जल्द आने वाले हैं। भाड़ा अगर मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे, नहीं तो इस बार अगर भाड़ा मिलेगा ना भाई तो नेपाल पक्का आने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं आगे और बताते हैं भाई भाड़ा क्यों नहीं मिल रहा नेपाल के लिए इस टाइम।
तो भाई जब हम नेपाल के अंदर एंट्री किए थे, मतलब सोनौली बॉर्डर के अंदर एंट्री किए थे, मेरे गाड़ी का पास अगर बन गया था। पास बनने के बाद जब हम आगे नारायण घाटी के लिए आगे बढ़ रहे थे ना, कुछ इसी तरीके का भाई नज़ारा था उस टाइम, क्योंकि भाई एकदम मस्त वाला नज़ारा था, इतना मज़ा आ रहा था जाने में ना। बस थोड़ा सा रोड ख़राब है, एक ही रोड है नारायण घाटी जाने के लिए, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन भाई ये जो शाम है ना, ये शाम देख के एकदम नेपाल का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, तो ये देख सकते भाई। और कुछ इसी तरीके का रोड भी था, लेकिन इतना चौड़ा नहीं था, लेकिन इसी तरीके का था। और एकदम ऐसा ही शाम था, ऐसा ही इतना ही टाइम भी हो रहा था, हम लोग का गाड़ी जब पास किया गया था अंदर की, आप जा सकते हैं आप लोग सब्जी लेके नारायण घाटी, तो इतना ही टाइम हो रहा था उस समय, 5 या 5:15 हो रहा था शाम का। अभी तो खैर 6 बजने वाले हैं, तो ये देख सकते भाई। तो भाई यहाँ पे भयानक वाला सीन हो रखा है, एम्बुलेंस को निकलने का जगह नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़बरदस्त जाम लग चुका है भाई, बहुत खतरनाक भाई फंसे हुए हैं जाम में, देख सकते हैं धीरे धीरे करके भाई 1 घंटा से फंसे हैं। हम सोचे आप लोगों को बता दें, जस्ट अभी धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ना चालू हुआ है, देख सकते हैं सर। और भाई एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख के बुरा लग रहा है, एम्बुलेंस वाला भाई फंसा हुआ है, कब से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो इसमें भाई हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को निकलवाना, एम्बुलेंस कहीं भी दिखे, कोई भी बंदा हो, चाहे बाइक वाला हो, चाहे टेम्पो वाले हो, चाहे पिकअप वाले हो, कोई भी बंदा हो, हम तो भाई उतर के साइड करवाने का बहुत ज़्यादा कोशिश किए लेकिन करवा नहीं पाए हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के सामने भी पुलिस वाले की गाड़ी फंसा हुआ है। तो मैंने बोला आप पुलिस वाले गाड़ी को छोड़ना मत, चाहे आपको रॉन्ग साइड से घुस के जाना पड़े आप जाओ, लेकिन पहले पेशेंट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने उसको बता दिया है, वो भी बोला भैया ठीक है। और एक पुलिस की गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बोल रहा है कि आप मेरे साथ साथ आइए, मतलब पुलिस वाले भाई खुद इनको निकलवाना चाह रहे हैं। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे भाई, तो धीरे धीरे करके हम भी बनारस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुका है, सुबह बता दे भाई, रात को ही घर पर आ गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था। तो भाई बहुत लोग पूछते हैं नेपाल क्यों नहीं आ रहा भाई, नेपाल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो भाई नेपाल बहुत जल्द आने वाले हैं, मतलब अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बुकिंग मिले नेपाल का, हमें भी नेपाल आने का मन है, बहुत दिन हो गए और नेपाल को काफ़ी ज़्यादा भाई मिस भी कर रहे हैं। जल्द भाई सोच रहे हैं कोई बुकिंग अगर मिले नेपाल का, सब्जी अगर ही जाता है और बाकी कुछ भी सामान अपने इधर से नहीं जाता है, ऐसे तो देखा जाए बहुत सामान जाता है इंडिया से नेपाल, लेकिन भाई हम तो भाई सब्जी लेके ही जाएंगे, बाकी और कोई भी माल हो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सब्जी एक ऐसा चीज़ है ना, कहीं आपका गाड़ी ना पकड़ाएगा ना रोकेगा ना टोकेगा कोई, सीधा आप लेके जा सकते हो मंडी। तो फिलहाल भाई इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको मिलकर इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब करके जाना है, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करना है, ताकि आपके भाई का वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम से पहुँच सके। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, ऐसे प्यार में सपोर्ट बना रखिए। और जितने भी भाई नेपाल से वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ब्रो, जल्दी जल्दी कर दिए शेयर। और अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं, इंस्टाग्राम फॉलो करिए, इंस्टा आईडी है बुद्धादेव 3772। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक टाटा।